1.2 किसने मैथमेटिक्स में लिया था, नोइंग द नंबर्स। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपके बुक में, एक्सरसाइज कौन सी है, 1.2 आपको लेकर देखना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ बुक एग्जीबिशन हैज अ होल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल, मतलब किसी स्कूल में एग्जीबिशन लगा हुआ है जो कि द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट अ काउंटर ऑन फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फाइनल डे। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ काउंटर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर टिकट जो है वो बिक रही है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से टिकट जो बिक रही है, फर्स्ट डे कितनी बिकी, सेकंड डे कितनी बिकी और थर्ड डे कितनी सेल हुई, फोर्थ डे या फाइनल डे कितनी सेल हुई। तो वो हम लोगों को नंबर्स बता रहे हैं कि फर्स्ट डे कितनी सेल हुई है 1094, फिर उसके बाद सेकेंड डे कितनी सेल सेल हुई है 18012 और थर्ड डे कितनी सेल हुई है 2015 और फोर्थ डे या फाइनल डे कितनी सेल हुई है 27051। ठीक है, मतलब इतनी की टिकट जो है स्कूल के एग्जीबिशन में सेल हुई है। अब यहाँ पर देखिए हम आपको बताना है कि जो टोटल नंबर्स थे, जो टोटल टिकट्स थी वो कितनी फाइनल डे में या फिर फोर्थ डे में सेल हुई है। ठीक है, रहता है ना कि आप लोगों ने अगर कोई चीज बेची है या सेल की है तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट डे कितनी बिकी है, सेकेंड डे कितनी बिकी है, थर्ड डे कितनी बिकी है, ये हम लोग देखते हैं। फिर हम लोगों को जब टोटल निकालना होता है कि हम लोग देखे तो कि हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं उन सारे जो अमाउंट्स रहते हैं हमारा, उन सबको हम लोग कलेक्ट कर देते हैं और उनको हम लोग ऐड कर देते हैं। कलेक्ट करना दैट मीन्स क्या, उन चीज़ों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड करके हम लोग वो चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा था, हम लोगों को अब करना है सॉल्यूशन की किस तरह से हम लोगों की वैल्यूज को निकालें। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नंबर्स को क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। जब हम लोग सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हम लोगों को क्या निकल कर आ जाता है, टोटल निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन डालिए, उसका क्या क्या होगा नंबर, हम लोगों को हर डे का अलग अलग लिखना होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट डे कितनी टिकट जो है वो सेल हुई है या बिकी है। तो यहाँ पर कितनी देर लिखे हम लोग अमाउंट, आप लिख दीजिए जस्ट मिनट। आप अमाउंट लिख लीजिए कितना लिखेंगे,
छोटी क्लास में सीख लिया होगा। क्या करना है आपको, इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है वन बाय वन। जब आप ऐड करेंगे तब आपका आंसर आएगा 7707। ठीक है, आप एक बार सारी वैल्यूज को ऐड करके देखिएगा। जब आप ऐड करेंगे तब आपकी वैल्यू का आंसर क्या आएगा, 7707। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, तो आपकी टिकट जो है वो कितना सॉल्व हुई है, ये आपका आंसर आ गया। कितना आया है, 7707। ठीक है, क्या क्या था हम लोगों ने, फर्स्ट डे जितनी भी टिकट लिखी थी वो लिख दिया, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे। और उन्होंने हम लोगों को बोला है कि आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ टिकट जो है वो कितना सॉल्व हुई है। तो हम लोगों ने क्या किया, सभी वैल्यूज का एडिशन कर दिया, और एडिशन करने के बाद मुझे फाइनल जो आंसर है वो मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग, क्या क्या लिख रहा है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेटर प्लेयर, ही हैज सो फॉर स्कोर्ड 69,080 रन्स इन द टेस्ट मैच, ही विशेस टू कंप्लीट, कितना विश किया उसने कंप्लीट करने का, 10,000 रन्स, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि शेखर जो है वो बहुत ही फेमस और उसने अभी भी स्कोर कितना कर दिया है क्रिकेट और क्रिकेट टेस्ट मैच में, 69,818। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि उसकी विश है कि उसका जो स्कोर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितना 10,000 रन जो है उसको बनाने की इच्छा है या उसकी विश है कितना वो रन जो है वो बना सके, तो उसको इतने रन बनाने के लिए और कितने रन की नीड होगी ये हम लोगों को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन में लिखा जो शेखर के स्कोर थे वो लिख दिए, कितना लिखा, शेखर स्कोर इज इक्वल टू 69,080 रन्स उसने अभी बना चुका है। अब लिखते हैं ही वांट्स टू कंप्लीट, लेकिन उसकी विश जो है वो कितनी है कि वो कितने रन बना सके, 10,000 रन बना सके। अब उसके बाद उसको कितने रन्स जो है वो नीड रहेंगे, तो रन्स नीड टू स्कोर मोर, और कितने रन चाहिए, तो जब भी मुझे कोई भी बड़ी वैल्यूज में से छोटी वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस, सपोज के लिए कि आपके पास 5 चॉकलेट है और आपने 2 चॉकलेट जो है वो आपकी फ्रेंड को दे दी, तो आपके पास कितनी बचेगी वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 में से 2 को आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि मेरे पास जो है वो 3 चॉकलेट बची है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, 10,000 में से मैंने क्या किया है, जो भी मेरी बड़ी वैल्यू थी उसमें से मैंने क्या किया है, छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया, तो कितना है, 9800। ठीक है, 6980 मुझे वैल्यू दे रखी है। अब माइनस करके बताइए आपको कितना मिल रहा है, जब माइनस किया तो क्या आ रहा है, 3020। आपको माइनस करना भी अच्छे से आता ही होगा, किस तरह से कैरी लेते हैं बोरो लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब मैंने दो वैल्यूज को माइनस किया है तो मुझे क्या मिल रहा है, 3020। अब ये जो वैल्यू निकल कर आई है क्या, ये कौन सी वैल्यू निकल कर आई है, ये वो वैल्यू निकल कर आई है जितना रन अभी उसको बताना है। ठीक है, अगर उसको अपना टारगेट पूरा करना है तो उसको कितने रन और बनाने होंगे, 3020 रन और बनाने होंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हैंस वी नीड टू 3020 मोर रन टू स्कोर, उसको अपना स्कोर बनाने के लिए 3020 रन जो है वो और स्कोर करना होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, इन एनी इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट, आपके रिव्यू में आपको देखना है रजिस्टर्ड, देखिए कितना क्या ऑप्शन दे रखे हैं, 5,7,5,0 एंड हैंस इन नियरेस्ट रेगन टू स्कोर 3,8,4,7 वोट्स बाय द मेजर इन द सक्सेसफुल कैंडिडेट विद द इलेक्शन। मतलब आपको इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं आपको पता ही है, तो फर्स्ट कैंडिडेट्स का जो वोटर्स है जो भी सबसे ज्यादा वोट से जीता होगा आपको वो कैंडिडेट का नंबर
जो भी ज्यादा कैंडिडेट जीता है हमारा, जो भी ज्यादा वोट से कैंडिडेट जीता है, उसमें जो कम वोट से जीता है वो कितने कम से जीता है। समझ में आया ना ये बात? क्या होता है आपको यही बात हो रही है कि आपने चॉकलेट जो है वो एक के पास ज्यादा है और दूसरे के पास कम है। आपको बताना है कि दूसरे के पास कितनी चॉकलेट कम है, तो क्या करना होगा आपको, जो ज्यादा चॉकलेट है उसमें से जो कम चॉकलेट है उसको माइनस करना होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर भी आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है उसमें भी आपको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। जब आप बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपकी वो वैल्यू मिल जाएगी जो आपको फाइंड करना है, ठीक है, कितने वोट से वो जीता है वो आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको करिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।